सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए दिनांक 14 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 8 बजे से शुरू होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। उप निर्वाचन क्षेत्र 9 जनपद सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर में स्थित है। आप लोगों को पहले भी अवगत कराया हूँ और आप लोगों ने उसका व्हाइट सर्कुलेशन किया है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो, पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरटीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो, पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने के लिए अनुमति मान्य है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी, इन सभी चीजों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। वोटर गाइड में कोविड-19 से संबंधित क्या करें क्या ना करें डूज एंड डोंट्स का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले द्वितीय चरण के मतदान में 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.08 करोड़ पुरुष, 0.94 करोड़ महिला तथा 1269 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। द्वितीय चरण के निर्वाचन में कुल 55 विधानसभा क्षेत्रों में 586 प्रत्याशी हैं, 12,544 मतदान केंद्र अर्थात लोकेशन। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर सभी आधारभूत सुविधाएं, रैम, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सभी सुनिश्चित किए गए हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 51 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक तथा 17 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। उप के अतिरिक्त 1793 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 220 जोनल मजिस्ट्रेट, 109 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2806 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर भी एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं, जो कि क्षेत्र में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से प्रचार अवधि की समाप्ति के दिन तक द्वितीय चरण के 9 जनपदों में कुल ₹3.14 करोड़ नगद तथा 2.47 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतदान पर पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया जाएगा। उपरोक्त के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार वीडियो कैमरों की भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। ईवीएम
के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को ही दी गई है। इस द्वितीय चरण में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 5,591 भारी वाहन, 4,381 हल्के वाहन तथा 1,03,860 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। चुनाव में सभी 23,404 मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।